How many plant? हिमालय की तराई एवं हरिद्वार से बद्रीनाथ तक के रास्ते में ब्राह्मणी का पौधा बहुतायत में मिलता है, जो बहुत उत्तम किस्म का होता है। यो तो ब्राह्मणी सारे भारत में गीली पर भूमि या जलाशय के किनारे पर आमतौर पर पाई जाती हैं। पौधे का तना जमीन पर फैलता जाता है, जिसके जड़ों से जड़, पत्तियां, पुष्प और बाद में फल लगते हैं। इसकी मांसल चिकनी वृक्काकार, कुछ गोल, 7-8 शिराओं से युक्त पंक्तियां 1 इंच लंबी और 10 किलोमीटर तक चौड़ी होती हैं। पत्तियां स्वाद में कड़वी और सूक्ष्म काले चिन्हों से युक्त होती हैं। पुष्प छोटे सफ़ेद, नील या गुलाबी रंग के लगते हैं। फलों का आकार गोल, लंबाई लिए आगे से नोकीलेदार होता है, जिसमें छोटे छोटे पीले बीज निकलते हैं। जड़ें छोटी और धागे की तरह पतली होती हैं। पुष्पों की बहार ग्रीष्म ऋतु में आती हैं, उसी के बाद फल लगते हैं। ब्राह्मणी का सुखाए हुआ पंचांग, पत्ते, फूल, फल, बीज और जड़ पंसरियों की दुकान पर आसानी से उपलब्ध हो जाता है। औषधिक के रूप में पंचांग और पत्तियां का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। विभिन्न भाषाओं में ब्राह्मणी को क्या कहा जाता है? संस्कृत में कपोतंग वंका सोमवली, हिंदी में, मराठी, गुजराती में ब्राह्मणी, बंगाली में ब्राह्मणी शौक थूलकुड़ी, इंग्लिश में बकोपा मोनियारा, लैटिन में सेंटेला, एशियाटिक में सेंटेला एशियाटिका। और इसके गुण क्या हैं, बेनिफिट्स? आयुर्वेदिक मदानुसार ब्राह्मणी स्वाद में कसैली रिक्त, मधुर गुण में हल्की, तासीर में शीतल, व्यापक में मधुर, रसायन स्वर शोधक, बलवृद्धक, त्रिदोष नाशक, हृदय को बल देने वाली, आयु और स्मृति वर्धक, मूत्रल स्तन दुर्द वर्धक, मस्तिष्क को शांति देने वाली होती है। यह रक्त विकार, बुखार, उन्माद, अतिसार, पीलिया, हिस्टीरिया, मिर्गी, नाड़ी दुर्बलता, स्मृति नाश, प्रेमा, खांसी, पूजन, कोढ़, उच्च रक्तचाप में गुणकारी हैं। महर्षि चरक ने ब्राह्मणी को मानस रोगों की एक अचूक औषधि बताया है। जन्मजात टूटलाहट में भी ब्राह्मणी लाभप्रद है। वैज्ञानिक मतानुसार ब्राह्मणी के रासायनिक संगठन का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि इसमें ब्राह्मीण नामक एक्लाइलाइट 0.01 से 0.02% पाया जाता है, जिसके प्रभाव से स्नायु तंत्र उत्तेजित होता है। इसके अलावा अल्प मात्रा में सेटोनियन, हर्पेस्टियन, बोटिलिक अमल, सिस्टिमा, स्टेनॉल, डीमेटिनॉल, बीटा साइटोटीरल, सेस्टोइक एसिड, सेंटेलिक एसिड और अन्य। इसके हानिकारक प्रभाव, निर्धारित मात्रा से अधिक ब्राह्मणी का किया गया सेवन सूक्ष्म मार्ग, सिर दर्द, घबराहट, चक्कर आना, त्वचा का लाल होना, अवसाद, यहाँ तक कि बेहोशी का कारण भी बन सकता है। अतः सेवन में सावधानी से काम लें। उपलब्ध आयुर्वेदिक योग, ब्राह्मणी धृत, ब्राह्मणी रसायन, ब्राह्मणी पाक, ब्राह्मणी तेल, सरस्वस्त्र, सरस्त चूर आदि। विभिन्न रोगों में इसका किन किन रोगों में बेनिफिट्स हैं? याददाश्त बढ़ाने के लिए, अनिद्रा में, मस्तिष्क की दुर्बलता, श्वेत प्रदर, मूत्र रोग, रक्त विकार, उच्च रक्तचाप में, मिर्गी, उन्माद, पागलपन में, खांसी और गला बैठने में पर, ज्वर में, बाल झड़ने पर।